वेलकम एवरीबॉडी। तो यहाँ पे देखो, आप पर्लिंग का जो है वो आपको टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है, ओके, दो टाइप का प्रॉब्लम है और दोनों के लिए मैं स्पेसिफिकली वीडियो बना दे रहा हूँ क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है, ओके। तो देखो, जो स्टेप्स है वो भी मैंने यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं बहुत अच्छे से, और उसके बाद जो दोनों टाइप का प्रॉब्लम है तो वो दोनों प्रॉब्लम भी मैं आपको बता दूंगा कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं। इन दोनों प्रॉब्लम को अगर आप अच्छे से कर लोगे तो पर्लिंग आपका नहीं छूटने वाला है, ओके। अब देखो कैसे जो है वो दो टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है कि एक टाइप का प्रॉब्लम रहेगा जिसमें जो है वो आपको क्या रहेगा कि आपको जो है वो डेड लोड विंड लोड दिया रहेगा, और उससे जो है वो आपको क्या दिखाए क्या रहेगा कि आपको जो है वो MU ZMU Y ये सभी निकालना होगा, ओके। उसके बाद जो है वो फिर आपको जो है वो चेक करना पड़ेगा कि ये मोमेंट कैपेसिटी आपको चेक करना पड़ेगा, ओके। तो ये हुआ एक टाइप का प्रॉब्लम, ओके। दूसरा टाइप का प्रॉब्लम क्या रहेगा कि आपको जो है वो MU Z और MU Y आपको दिया रहेगा और बस आपको जो है वो सैगिंग या हॉगिंग जो है वो डिसाइड करना है और फिर आपको जो है वो ये वाला चीज़ चेक करना रहेगा, मोमेंट कैपेसिटी। तो अभी जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कराने जा रहा हूँ, आपको ये वाला बताने जा रहा हूँ, ये है थोड़ा हार्ड टाइप का प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें जो है वो आपको बेसिक से सब कुछ निकालना है, यानी डेड लोड यहाँ पे दिया रहेगा, ओके, विंड लोड या फिर लाइव लोड, विंड लोड या फिर लाइव लोड ये सभी दिया रहेगा, और उससे जो है वो आपको जो है वो मोमेंट निकालना है, यानी MU Z निकालना है और MU Y निकालना है, और उसके बाद उसको फिर चेक करना है, ओके। तो देखो प्रॉब्लम ऐसा रहेगा कि यहाँ पे आपको कुछ दिया रहेगा कि पर्लिन का जो है वो सेंटर टू सेंटर ट्रस के बीच में डिस्टेंस दिया रहेगा और डिस्टेंस बिटवीन पर्लिन दिया रहेगा। तो पहले इसको देख के आपको फिगर ड्रॉ कर देना है कुछ ऐसा, ओके। देखो देखो, जिसमें से जो है वो ये वाला जो पोर्शन मैंने अभी ड्रॉ किया ना, ये ट्रस है, ओके, ऐसे जो है वो ट्रस रहेगा, ओके, ऐसे ट्रस रहेगा। तो ट्रस के बीच में जो है वो डिस्टेंस कितनी है, 2.9, 2.9, 2.9, ओके, और ये वाला जो पोर्शन है ये सारा पर्लिन है, ओके। तो पर्लिन के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा, 1.75, 1.75, 1.75, 1.75। तो ये आपको डायग्राम से क्लियर होना चाहिए कि पर्लिन क्या है और ट्रस क्या है, ओके। अब इसके बाद जो है वो आपको पहले ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर देना है। अब देखो यहाँ पे जो चीज़ें आपको दी रहेंगी वो सभी आपको लिख देनी है, जैसे डेड लोड जो है वो 0.14 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गलती है, क्वेश्चन में जो है वो आपको 140 न्यूटन पर mm² है जो कि गलत है, ओके, वो 140 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता, ओके। ये वाला जो है वो कुछ डेटा मिसप्रिंट है, तो आप उसको सुधार कर सकते हो ऐसे, ओके, वरना जो है वो आप शायद नहीं बना पाओगे इसको, बहुत ज़्यादा मीन्स ये प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। अब देखो उसके बाद जो है वो आप देखो कि डेड लोड जो है वो परपेंडिकुलर टू रूफ होगा, मीन्स पर्लिन जो है वो कैसा है, पर्लिन जो है वो ऐसा है, स्लैंट है, तो इसमें जो है वो या तो डेड लोड जो है वो हम लोग को ऐसे पड़ रहा है, ओके। तो हम लोग को इसको दो कंपोनेंट में तोड़ देना है, एक है इसके परपेंडिकुलर में और एक है इसके अलोंग में। तो इसके बीच का आपको थिट्टा चाहिए होगा, तो थिट्टा भी आपको दिया रहेगा, थिट्टा भी जो है आप देख लो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे देखोगे इस केस में, तो थिट्टा जो है वो दिया गया हुआ है 22.5 डिग्री। तो उसके बाद जो है वो अब आपको क्या करना है कि वो थीटा से कॉस थीटा आपको लगा दो तो आपको निकल जाएगा क्या, आपको परपेंडिकुलर टू निकल जाएगा, ओके। और अगर आप साइन लगा दोगे तो पैरेलल अलोंग द पर्लिन के निकल जाएगा, ओके, अलोंग द रूफ या फिर अलोंग द परपेंडिकुलर टू द रूफ, ये आपको साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू लगा दोगे तो निकल जाएगा। उसके बाद जो है वो आते हैं विंड लोड का। तो देखो इस प्रॉब्लम में जो है वो विंड लोड दिया गया हुआ है सीधा कि जो है वो विंड लोड परपेंडिकुलर पड़ रहा है, तो सीधा मैंने ये वाला पार्ट लिख दिया, ओके। उसके बाद देखो कि जो डिस्टेंस होता है, जैसे ये 1.75 यहाँ पे दिया गया हुआ है, यहाँ पे देखो तो ये 1.75 स्लैंट हाइट है, ओके, मीन्स स्लैंट में ऐसे 1.75 दिया है, लेकिन इसका हॉरिजॉन्टल में जो है वो वैल्यू कुछ अलग होगा, ओके, हॉरिजॉन्टल में वैल्यू कुछ अलग होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग डेड लोड जो है वो हॉरिजॉन्टल के बेसिस पे लेते हैं और जो इसका विंड लोड आता है वो हम लोग ऐसे स्लैंट पे ही लेते हैं। तो विंड लोड अगर आपका दिया रहे परपेंडिकुलर में तो जस्ट उसको जो है वो आप लोग ये जो पर्लिन का स्पेसिंग दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दे, लेकिन अगर आपका डेड लोड या फिर लाइव लोड है तो उसको जस्ट जो है वो पर्लिन का जैसे 1.75 उससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये अपर सपोज कि 1.75 है तो यहाँ पे नीचे में जो x आ रहा है ना वो x से मल्टीप्लाई होगा, ओके। तो वही चीज़ है यहाँ पे मैंने किया है, देखो कि यहाँ पे जो है वो मैंने जैसे ये 1.75 हो गया, ओके, और ये x हो गया, तो x बाई 1.75 इज कॉस टू कॉस थीटा, तो यहाँ x का वैल्यू आ गया 1.62। उसके बाद आपको जो है वो डेड लोड प्लस विंड लोड जो है वो परपेंडिकुलर टू द रूफ, तो वो कितना आ गया,
डेड लोड, और देख लो जैसे कि अगर आप इसको विंड को तोड़ोगे, मीन्स डेड लोड को तोड़ोगे, तो दो लाइफ दो पार्ट में टूटेगा, एक परपेंडिकुलर और एक ये पैरेलल या फिर अलोंग। ओके, तो अगर आप परपेंडिकुलर में देखोगे तो एक डेड लोड का परपेंडिकुलर और एक विंड लोड का परपेंडिकुलर, तो इसीलिए मैंने जो है वो यहाँ पे दोनों को ऐड कर दिया है। ओके, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इसको और इसको, इन दोनों को मैंने ऐड करके ये वाला पार्ट लिख दिया है। ओके, और अगर मैं बात करूँ कि सिर्फ जो है वो डेड लोड का, तो डेड लोड का प्रोजेक्टेड सिर्फ जो है वो एक्स पे ही आएगा। ओके, तो इसलिए जो है वो मैंने ये वाला चीज़ लिख दिया है। तो ये आपको बहुत ध्यान से समझ लेनी है, जैसे जैसे हो रहा है वैसे ही सेम आपको जो है वो स्टेप्स रिपीट करने होंगे, और हो सकता है कि आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में और भी डेड लोड दिया गया हो सीट्स के वजह से, या फिर लाइव लोड दिया गया हो। तो जैसा डेड लोड को मैंने स्प्लिट किया है, लाइव लोड को भी वैसे ही स्प्लिट करना है आपको। लेकिन विंड लोड जो है वो या तो आपको सक्शन में होगा। ओके, हाँ एक बात और कि विंड लोड जो है वो आपका दो टाइप का हो सकता है, एक सक्शन में, तो सक्शन में ऐसे हो जाएगा डायरेक्शन, और अगर वो प्रेशर में है तो प्रेशर में जो है वो ऐसे हो जाएगा। ओके, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है वो है कि देखो, अब यहाँ पे जो है वो आपको डेड लोड और फैक्टर विंड लोड निकल गया, तो वहाँ से आप जो है वो फैक्टर डेड लोड यहाँ पे मैंने निकाल दिया, और फैक्टर डेड लोड प्लस विंड लोड, यानी कि ये जो है वो परपेंडिकुलर वाला है। ओके, ये ऐसे वाला से का वैल्यू आ गया, और ये वाला जो वैल्यू है वो हमारा मीन्स अलोंग के है, मतलब कि ये पैरेलल या फिर अलोंग द रूफ के है। ओके, अब देखो यहाँ पे जो है वो केस मैं ले रहा हूँ पहला सैगिंग मोमेंट का। ओके, तो सैगिंग मोमेंट जो है वो आपको भी ऐसे ही लेना है कि मैक्सिमम मोमेंट अलोंग जेड जेड। ओके, तो देख लो इसको ऐसे ही आपको बनाना होगा। ओके, जैसे मैं कर रहा हूँ तो वैसे ही आपको सेम करना होगा, क्योंकि ये जो है वो पर्लिन कुछ ऐसा ही मीन्स आपको देखने को रहेगा, और ये वाला जो डायरेक्शन जो अभी मैंने ड्रॉ किया हुआ है वो जेड जेड है, और इसके परपेंडिकुलर आपको ऐसे वाई वाई में करना होगा। अब इसको देखो, यहाँ पे जो है वो आपको जो जेड जेड में वैल्यू आया हुआ है डब्ल्यू का, ओके डब्ल्यू का, जैसे 4.33 वो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है ना, ये वाला जो वैल्यू आएगा उसको डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 से आपको जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है, तो फिर मोमेंट का वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो एल क्या है, तो एल जो है वो 2.8 है, 2.8 क्या था, तो दो जो है वो ट्रस के बीच का दूरी है। ओके, जो एल होगा वो दोनों ट्रस के बीच का दूरी होगा, यानी कि 2.88 मैंने ले लिया है। नेक्स्ट, अब देखो उसके बाद चूजिंग अ सेक्शन, तो सेक्शन को कैसे चूज़ करते हैं, तो मोमेंट इज इक्वल्स टू बीटा बी जेड बी एफ वाई बाई गामा एम नॉट। ओके, तो इसके लिए जो है वो आपको जो है वो क्या करना है कि बस आपको इसमें क्या क्या मालूम है, आपको मोमेंट मालूम है। ओके, बीटा बी का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन प्लास्टिक दिया रहेगा, जब भी सेक्शन प्लास्टिक रहेगा तो बीटा बी का वैल्यू 1 हो जाता है। जेड पी एक्स आपको निकालना है, एफ वाई दिया गया हुआ है, गामा एम नॉट का वैल्यू 1.1 होता है, तो इसको आप पुट कर दोगे तो जेड पी का वैल्यू निकल के आ रहा है, ये जो है वो आपको रिक्वायर्ड होगा। इसके बाद आपको एक स्टेप और करना है कि चेकिंग जेड पी रिक्वायर्ड फॉर बाई एक्सियल बेंडिंग। ओके, तो बाई एक्सियल बेंडिंग के लिए भी आपको चेक करना है, तो बाई एक्सियल बेंडिंग के लिए जो है वो ये आपको फॉर्मूला रट लेना है। ये वाला फार्मूला क्या है, एम ई इक्विवेलेंट इक्वल टू एम यू जेड प्लस 5 एम यू वाई। ओके, जिसमें एम यू जेड जो है वो मैंने यहाँ पे अभी ऊपर में निकाला है। ओके, ये वाला वैल्यू, हाँ ये वाला वैल्यू, और एम यू वाई जो है वो ये वाला होगा लगा। अगर मैंने ये वाला एक्सप्लेन नहीं किया है तो देखो इसमें कुछ हार्ड नहीं था कि दो आपने जो मोमेंट निकाला था, दो जो आपने डब्ल्यू का वैल्यू निकाला था ना, एक था 4.33, ओके एक था यहाँ पे 4.33, और हाँ यहाँ पे एक था 4.33, और यहाँ पे जो है वो एक था 0.131। तो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग जो है वो ये वाला जो है वो आपको जेड जेड के लॉन्ग था, और ये वाला वाई वाई के लॉन्ग था। ओके, तो वही मैं जस्ट मैंने किया था, तो इसलिए आपको ये जेड जेड के लॉन्ग दे रहा है मोमेंट, और ये वाई वाई के लॉन्ग दे रहा है। अब उसके बाद जो है वो आपको एम यू जेड का वैल्यू निकाल लिया, एम यू वाई का वैल्यू निकाल लिया, एम यू इक्विवेलेंट निकल जाएगा। अब सेम चीज़ जो आपने यहाँ पे किया है ना, इस वाले में किया है, सेम वही स्टेप्स जो है वो आपको यहाँ पे भी करना है, और जेड पी रिक्वायर्ड का वैल्यू निकाल लेना है। ओके, अब जेड पी रिक्वायर्ड होता है कि मिनिमम जो हमारा सेक्शन दिया रहे वो इतना जेड पी से कम नहीं होना चाहिए। अब इस केस में आप देखो, प्रॉब्लम में जो है वो हमें जेड पी दिया गया हुआ है, मीन्स जेड पी जो है वो दिया गया हुआ है इसमें जो सेक्शन दिया गया हुआ है ISMC। ओके, तो ISMC 200 के हिसाब से अगर आप देखोगे, तो मैंने जो है यहाँ पे एक चीज़ गलती लिख दी है। ओके, यहाँ पे देखोगे आप जेड पी, तो 42.1 जो है वो सेंटीमीटर क्यूब दी है, वो जेड पी वाई का वैल्यू मैंने लिख दिया। ओके, अगर आप ऑफिशियली मीन्स देखोगे पेपर में, तो यहाँ पे जो है वो शायद जेड पी जेड का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ओके, जेड पी जेड का वैल्यू जो है वो देखो 211.2
25 है, तो जेड पी जेड का वैल्यू 211.25 आप लिखना। ओके 41 जो है वो ये देखो जेड पी वाई का वैल्यू है। ओके जेड पी वाई का वैल्यू यहाँ पे है, तो इसलिए वो मत लिखना है। यहाँ पे देखो जेड पी वाई का वैल्यू है, लेकिन आपको चाहिए था जेड पी जेड का वैल्यू, तो ये वाला वैल्यू आप लिखना। ओके उसके बाद देखो आपकी जैसे ही मैं आगे यहाँ पे नीचे आता हूँ, तो उसके बाद जो है वो हाँ देखो, तो आपका जो है वो जेड पी प्रोवाइडेड जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जेड पी रिक्वायर्ड, तो आपका सेफ़ है। ओके ये वाला पार्ट आप लिख देना। अब देखो इसके बाद जो है वो मोमेंट कैपेसिटी का चेक करना है आपको, कि आपका जो मोमेंट ऊपर में आ रहा है वो कितना है। ओके तो फॉर सैगिंग मोमेंट अगर आप चेक कर रहे हो, तो पहले जो है वो आप जेड जेड का चेक करना। ओके पहले जो है वो इसका चेक करना, पहले जेड जेड का चेक करना, फिर जो है वो वाई वाई का चेक करना। मैंने जो है वो वाई वाई का पहले कर दिया, लेकिन यूजुअली जो है वो सर ने क्लास में ऐसा कराया था कि वो जेड जेड का पहले कराते हैं वो। ओके तो देखो यहाँ पे जो है वो आपको ये वाला फार्मूला तो रट लेना है आपको, जैसे स्टील स्ट्रक्चर अगर आप पढ़ रहे हो तो मिनिमम ऑफ मोमेंट कैपेसिटी अलॉन्ग जेड जेड इज इक्वल टू बीटा बी जेड पी जेड एफ वाई बाई गामा एम नॉट कॉमा 1.2 जेड डी जेड एफ वाई बाई गामा एम नॉट। ओके अब इसमें जो है वो आपको सब कुछ का वैल्यू पुट कर देना है, सब कुछ ये सब क्वेश्चन में दिया गया हुआ है। ओके कि जेड पी जेड का वैल्यू क्या है, एफ वाई का वैल्यू आपको क्या है, एफ वाई का वैल्यू जैसे 210 आपको यहाँ पर दिया रहेगा। ओके यहाँ पर देखो आप प्रॉब्लम में अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो पेपर में ये सभी दिया रहता है। ओके देखो प्रॉब्लम में आई डोंट थिंक सो दिया हुआ है, तो आपको जो है वो 250 एज्यूम कर लेना है। ओके और नहीं तो पेपर में वो लिखा रहता है कि जेड पी एफ वाई का वैल्यू क्या लेना है, और यहाँ पे आप देखो कि जेड पी जेड का वैल्यू मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से ले लेना है, और गामा एम नॉट का वैल्यू आपको रट लेना है। ओके गामा एम नॉट का वैल्यू होता है 1.1। ओके अब इसको जो है वो आपको यहाँ पे आप निकाल लो कि जेड पी जेड का वैल्यू कितना, सॉरी ये जो है वो वैल्यू आप निकाल लो ये वाला सब कुछ कैलकुलेट करके, तो देखो मेरे केस में आ रहा है 7.17 किलो न्यूटन। ओके ये तो सॉरी वाई वाला हो गया, यहाँ पे जेड वाला है। हाँ तो यहाँ पे जो है वो जेड वाला है। अब देखो ये आ रहा है 48 किलो न्यूटन, और जो कि जो है वो ज़्यादा है 4.55 किलो न्यूटन से। 4.55 कहाँ पे था, तो 4.55 जो है वो मैंने यहाँ पे निकाला था। ओके सैगिंग मोमेंट के लिए। ओके अब उसके बाद जो है वो आप देखो कि यहाँ पे जो है वो सिमिलरली वाई वाई के लिए भी मैंने मोमेंट निकालना हुआ है, तो इसके लिए भी आपको मोमेंट चेक करना पड़ेगा। तो सिमिलरली मैं सेम ही वो वाला फार्मूला यूज़ कर ले रहा हूँ, और जस्ट इसका वैल्यूज़ पुट कर दूंगा, और अगर वो 0.138 किलो न्यूटन से ज़्यादा है तो मैं लिख दूंगा कि हैंस इट इज़ सेफ। यहाँ पे जैसे अगर ये ज़्यादा होगा तो आपको हैंस इट इज़ सेफ लिख देना है। ओके अब उसके बाद देखो फिर आपको लास्ट स्टेप बचता है कि आप जो है वो चेक फॉर कंबाइंड बेंडिंग कर दे। ओके तो चेक फॉर कंबाइंड बेंडिंग के लिए आपको जो है वो क्या करना है कि ये वाला फार्मूला रट लेना है, और इस फार्मूले में क्या है, MU Z बाई MDZ प्लस MUY बाई MDY लेस देन इक्वल्स टू 1। यहाँ पे आपने जो वैल्यू ऊपर में कैलकुलेट किया है देखो, तो यहाँ पे जो है वो ये वाला जो जेड जेड के लॉन्ग हमने कैलकुलेट किया हुआ था MDZ, इसके ऊपर में जो है आपने जो कैलकुलेट किया है वाई वाई के लॉन्ग ये था MDY, और सबसे पहले इससे पहले भी जो आपने कैलकुलेट किया था ओके तो ये था MUZ। ओके ये था MUZ और ये वाला था जो है वो MUY, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन आपको ये वाला ऐसे ही होगा। ओके जस्ट वही चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और उसका रेशियो जो है वो आप देख लो कि कितना आ रहा है। ओके तो देखो यहाँ पे रेशियो जो है वो 0.114 आ रहा है, जो कि बहुत ही कम है 1 से, तो ये हमारा सेफ होगा। ओके तो हैंस सेफ मैंने लिख दिया है। तो बस आपका जो है प्रॉब्लम ये सबसे हार्ड टाइप का प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे होगा ये वाला, और देखो इसमें जो है वो आपको चेक फॉर लैटरल टॉर्सनल बकलिंग नहीं आस किया गया था, इसलिए वो मैंने नहीं लिखा है। लेकिन अगर LTB आस किया जाएगा तो वो कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए भी मैं छोटा सा वीडियो अगर होगा तो आगे बना दूंगा, लेकिन इस वीडियो में उसकी ज़रूरत नहीं है। ओके अब देखो स्टेप्स क्या है इसकी, एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ कि देखो इस प्रॉब्लम में जो है वो क्या करना था। सबसे पहले जो है आपको टू लोड केसेस था, अगर या तो डेड लोड प्लस विंड लोड रहेगा, या फिर डेड लोड प्लस विंड लोड सक्शन होगा या प्रेशर होगा। मैंने यहाँ पे प्रेशर मान के बनाया हुआ है, आप चाहे तो इसे सक्शन मान के भी बना सकते हो, लेकिन सक्शन वाले में जो है वो LTB आ जाएगा, और वहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया गया हुआ है, लेकिन मैंने इसलिए जो है वो सिर्फ लोड केस 1 लिया हुआ है। ओके फिर मैंने जो है वो MUZ MUY निकाला। ओके और उसको निकालने के लिए जो है वो आपको पहले लोड निकालना होगा, फिर लेंथ ये सभी देखना होगा। ओके उसके बाद फाइनली आपका MUZ MUY निकलेगा, फिर आपको बायएक्सियल बेंडिंग के लिए जो है वो फार्मूला लगाना होगा, और फिर आपको सेक्शन चेक करना होगा कि
कि एम यू इक्विवेलेंट इज टू बीटा बी जेड पी एफ वाई बाई गामा एम नॉट। तो इस पे जेड पी का वैल्यू चेक करना होगा कि जेड पी रिक्वायर्ड और जेड पी प्रोवाइडेड क्या है, मीन्स आपका सफिशेंट है या नहीं है। उसके बाद जो है वो आपको मोमेंट निकालना होगा। ओके, तो मोमेंट ऐसे मैंने निकाला था, और मैंने सिर्फ ये वाला केस के लिए निकाला है अभी, सैगिंग के लिए। हॉगिंग के लिए मैंने नहीं निकाला है क्योंकि ये एल टी बी वाला केस था। और उसके बाद जो है वो लास्ट में जो है वो ये 6 नंबर मैंने कंबाइंड बाई एक्सियल बेंडिंग के लिए निकाल लिया। तो बस यही सा स्टेप्स था। और एक दूसरा टाइप का प्रॉब्लम जो हो सकता है वो भी, उसका स्टेप्स मैंने लिख दिया है, लेकिन ये इस प्रॉब्लम के लिए नहीं है। ओके, सो आई होप कि आपको ये वाली प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। एंड देख लो, यही है, इसमें कुछ खास नहीं है। और आप इसको एक दो बार खुद से बना लोगे। और अगर आप ये पीडीएफ चाहते हो तो इसका लिंक जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा।